खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के बहेलियापार गांव निवासी पुरुषोत्तम वर्मा पुत्र लालसा वर्मा का आरोप है कि मेरी भूमधरी की जमीन पर गांव के ही दबंग व्यक्ति द्वारा लेखपाल के मिलेभर से कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा तहसील के आला अधिकारियों से लेकर के जिलाधिकारी तक गुहार लगाई गई, फिर भी मेरे मामले का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा अवैध तरीके से मेरी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि लेखपाल द्वारा जमीन की पैमाइश का आश्वासन दिया गया, बिना पैमाइश के ही विपक्षी के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, जिसके चलते विपक्षी मकान बनाने की फिराक में मेरी जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन तहसील प्रशासन मौन बना हुआ है। तहसील दिवस पर मेरे द्वारा सैकड़ों बार प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन तहसील के अधिकारियों द्वारा न तो जमीन की पैमाइश कराई गई, न ही मेरी समस्या का निस्तारण किया गया। मात्र आश्वासन देकर ही मामले को अधिकारियों द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। अगर मेरी समस्या का शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर करूंगा। इस संबंध में उपजिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में है, टीम गठित कर शीघ्र ही मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। सर, हमारी जमीन कब्जा हो रही है। गौतम वर्मा वो सर नेपाल आई थी, जो कह रहे कि यहाँ दो चार लोग जुटे थे, बोले यहाँ पत्थर नसब हुआ और पूजा आदो ने ये सुनकर और जो अथवा लगा दी, रिपोर्ट लगा दी है आपके पक्ष में। नहीं, उनके पक्ष में आपके खिलाफ। हाँ, इसकी शिकायत आपने कहीं किया? जी, तहसील पे दो बार कागज दे चुके हैं। तो क्या हुआ? कुछ सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई? नहीं। लेखपाल से मिली भगत से जी, लेखपाल कहा कि ऐसा बोलने फिर हमें इसको लेने के लिए आप लोग? नहीं, हमने नहीं बोला। एप्लीकेशन दिया था? जी, एप्लीकेशन दिए थे। कोई कार्रवाई तक नहीं? अभी नहीं हुई। कितने बार एप्लीकेशन आपको? सर, तीन बार दे चुके। मतलब आपकी जमीन कोई हड़प रहा है? जी, गौतम वर्मा हड़प रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको सर अपना घर बनाने जा रहे हैं। घर बनाने? पुलिस को सूचना दी इसकी? नहीं, पुलिस को सूचना नहीं दिया था। घर रोका है कि बन रहा है? नहीं, घर रोका। रोका जी। लेखपाल कह रहे बनाने दीजिए। हाँ, क्या चाहते हैं सर? ऐसा चाहते हैं, उसने जो है पूजा अभी जो रिपोर्ट लगाई है उसको हटा कर उस पर दूसरा रिपोर्ट सही लगाए, नहीं तो कभी मतलब दो चार महीने में वो रिपोर्ट अगर थाने पे जाएगी तो वहाँ विवाद हो सकता है। अच्छा, विवाद? हाँ, रिपोर्ट में पर्ची में लिखा गया है कागज में। इसकी शिकायत आपने एसडीएम से किया फिर? जी। उन्होंने कुछ कहा? नहीं, वो इधर उधर कागज कर रहे थे, लंबित लिखे थे, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं? विवाद की जड़ हो जमीन? जी जी। आप चाहते हैं पुनः पैमाइश होकर के आपकी जमीन आपको मिल जाए? उनकी जी, वो अपना घर बनवा रहे हैं, तो वो अपना नपवा ले, सीमांकन सही हो जाए, वो अपना घर बनवाए आराम से। आपको कोई आपत्ति नहीं? हमारी आपत्ति कोई नहीं, वो सीमांकन सही करवा ले नेपाल से, अपना घर सही बनवाए। लेकिन जो पूरे आधे रिपोर्ट लगाई है, मतलब लेखपाल मिली, लेखपाल से मिली भगत? हाँ, जो रिपोर्ट लगाई है नेपाल पूजा यादव, वो रिपोर्ट को गलत माने करवाइए जी, रिपोर्ट सही करें ना, बाद में कभी वहाँ हमला हो सकता सर। वो जान लेंगे हम? हाँ, जान लेगा जी जी। आज नहीं, दो चार महीना, छह महीना, साल भर में रिपोर्ट ऐसे बनाई गलत सर। वहाँ पत्थर पैमाइश नहीं हुआ सर, जब तक हमारे बाबा राम सभा लिए जमीन तब तक। जमीन कैसे लिए थे? वो लौटा न लौटे थे। अरे सर, वो हमें लग रहा 70 साल हुआ। जमीन का कागज आपके पास है? हाँ सर, है कागज। फिर उसके बाद भी लेखपाल नहीं माने? नहीं सर, तब से पत्थर पैमाइश नहीं हुआ था सर। चलिए ठीक है, पत्थर पैमाइश नहीं हुआ। पैमाइश की बात कर रहे हैं आप, जमीन